स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। आज स्टार्ट कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्वेश्चन नंबर 37 से। अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इन मेंडेलाइन डाईहाइब्रिड क्रॉस, अगर आपने मेंडेलाइन डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रखा है तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। व्हेन हेटरोजाइगस राउंड येलो आर सेल्फ क्रॉस, राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग आर रिप्रेजेंट बाई द जीनोटाइप। आपको जीनोटाइप बताना है राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग के लिए, जो कि मेंडेलाइन डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद में आपने देखा, जो हेटरोजाइगस राउंड येलो में आपने क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस हुआ, उसके बाद में जो राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग है वो किस तरीके से आप इसे जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर मालूम होगा यहाँ पर मेंडेलाइन डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब आपने क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है आपके एफ टू जनरेशन के लिए वो 9:3:1 आता है, जिसमें आपका यहाँ पर येलो राउंड रहेगा 9, उसके बाद में आपका ग्रीन राउंड रहेगा 3, उसके बाद यहाँ पर येलो रिंकल रहेगा आपका 3 अदर, और यहाँ आपका ग्रीन रिंकल रहता है। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले तो जो जीन्स के यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके जीनोटाइप की, तो जो जीनोटाइप है आपका यहाँ पर राउंड ग्रीन के लिए, तो ये आपका पॉसिबल है कि ये वाला होगा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर बाई स्मॉल वाई रहेगा सारा, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट होगा, अगर आपने अच्छी तरीके से क्रॉस कर रखा है तो आपने ये आंसर बिल्कुल मुझसे पहले दे दिया होगा। तो आंसर 37 आपका होगा डी। 38 क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मैच कॉलम फर्स्ट विद सेकंड कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद गिवन कोड, ठीक है। तो कॉलम दे रखे हैं आपको, यहाँ पर मैच कर लेना है। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से मैच हो सकता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर ये रेशियो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम किस लिए करते हैं, प्योरिटी चेक करने के लिए करते हैं गैमेट्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस आप इसे करवा सकते हैं। उसके बाद ए बी ओ ब्लड ग्रुप में यहाँ पर किस तरीके से करवाएंगे, आप यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म के तौर पर आप इसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये टेस्ट हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको मालूम होगी तो ए आपका आंसर होगा राइट, देन इसके अकॉर्डिंग आप इसे मैच करेंगे। है नहीं है कि कितना बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट प्रोड्यूस बाय द ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी पेरेंट विल बी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये पेरेंट्स के जो गैमेट हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये पेरेंट है तो यहाँ पर जो ये ए बी गैमेट निकल कर के आया है यानी कि, तो ये कितने परसेंट चांसेस पर आएगा। तो सबसे पहले अच्छा है कि आप क्रॉस ही करा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस करवा के देखेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो क्रॉस चली कर लेते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ सकती हैं, कैपिटल कैपिटल के लिए आपकी आ सकती है कुछ इस तरीके से, उसके बाद आपका यहाँ पर ए कैपिटल बी देन उसके बाद स्मॉल ए बी, ठीक है। तो यहाँ भी 25% चांस है, यहाँ भी 25% है, यहाँ भी आपके और यहाँ पर भी आपके 25% है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ए। तो आपके कितने चांसेस हो सकते हैं, 25% ओनली चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर ए बी गैमेट आए। चलिए, अच्छे से समझ लिया। देन क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में क्या है अपना, चलिए देख लेते हैं। व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विद येलो सीड, यानी कि ये आपका रहा टॉल, फिर ये आपका टॉल प्लांट में येलो सीड रहा, ठीक है, येलो सीड में आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है, फिर टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड आपका ये दे रखा है। व्हाट ट्रू रिगार्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द फीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग एफ वन जनरेशन। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर आपको एफ वन जनरेशन के लिए बताया कि कौन सा अच्छा फिनोटाइपिक हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको क्रॉस आना चाहिए, क्रॉस आने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि फिनोटाइपिक रेशियो आपका कितना निकल करके आया है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ टॉल एंड ग्रीन और उसके बाद प्रोपोर्शनल ऑफ डॉर्फ एंड ग्रीन आप पता कर सकते हैं। तो चलिए इसका क्रॉस करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं दोनों का आपस में, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मिल जाते हैं अपने गैमेट्स, ठीक है, ये हमारे स्मॉल हैं और ये हमारे थोड़े यहाँ पर 50 टॉल भी हैं और उसके बाद आपके स्मॉल भी हैं, ठीक है। तो ये आपके रहे गैमेट्स और ये रहे इसके गैमेट, ठीक है, दोनों गैमेट्स मिल गए। अब यहाँ पर जब हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर जो हमें प्रोजेनी मिले हैं क्रॉस करवाने के बाद, तो हमें जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है यहाँ पर टोटली, तो वो टॉल एंड येलो मिलेगा, ठीक है, टॉल एंड येलो, फिर टॉल एंड ग्रीन मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या मिलता है डॉर्फ एंड येलो, देन उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा डॉर्फ एंड ग्रीन, यानी कि जो रेशियो का यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 3:1:1 और हो सकता है कि इसे हम इस तरीके से 3/8 और 3/8 करके लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर 1, ये आपका प्रोपोर्शन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस बाय द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हु इज हेट्रोजाइगस फॉर फॉर लोकी। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या आपसे कहना चाहता है, कि कितने टाइप के गैमिट्स हैं जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए, इसको
एक सॉल्व करने का तरीका होता है। सबसे पहले तो टाइप ऑफ गैमेट की बात करें तो यहाँ पर 2n आप इसे लिख सकते हैं, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लौकिक है, ठीक है। अब यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितना दे रखा है आपको, 4 लौकिक दे रखा है, तो इसमें आपको इस फॉर्मूले को पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप ऑफ गैमिट्स में आपको यहाँ पर इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें टाइप ऑफ गैमिट क्या था, टाइप ऑफ गैमिट हमारा था 2n, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 2n हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 2n 4, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 into 2 into 2 into 2 2, इस तरीके से कर लिया, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा यहाँ पर कितना हुआ 8, फिर 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 42, द गिवन पनेट स्क्वायर रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस वेयर येलो एंड राउंड सीड कंडीशन डोमिनेंट ओवर वाइट एंड रिंकल सीड कंडीशन। तो चलिए पनेट स्क्वायर देख लेते हैं अपना, यहाँ पर दे रखा है कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स, कि ए टाइप ऑफ एच विल प्रोड्यूस सीड विद जीनोटाइप आइडेंटिकल टू द सीड। अब देखिए इनके दोनों के ही आपस में क्रॉस कराने पर आपका ये एच का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए सेम सेम अगर यहाँ पर होना चाहिए तो किस तरीके से आपका कौन सा फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर देखिए इसके लाइन में आपको ये सब दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको अदर कोई ऐसा नहीं है जो मैच करे सिर्फ और सिर्फ आपके टाइप एन से, तो आपका जो एन है वो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक सीड है जो कि प्रोड्यूस हुआ है आपका, जो कि आइडेंटिकल जीनोटाइप जिसे आप कह सकते हैं इसके थ्रू पर आपका ये बना है, तो आंसर आपका होना चाहिए यहाँ पर डी। इसी के तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट वैन प्लांट, इस तरीके से दे रखा है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट वैन प्लांट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इज सेल्फ पॉलिनेटेड। अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेटेड हो गया आपके प्लांट में, ठीक है, तो ये अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, रेशियो कितना होता है आपका 9:3:1, ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो होता है, तो आपका ये आंसर भी यही होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल्फ पॉलिनेटेड हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेटेड जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पर होता है 9:3:3:1, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कंडीशन वैन प्लांट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इज बैक क्रॉस विद द डबल रिसेसिव प्लांट। अब यहाँ पर क्या किया है, बैक क्रॉस करवाया है, तो बैक क्रॉस कराने में जो यहाँ पर आता है रेशियो वो तो 1:1:1 ही आएगा, जो कि यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो होता है। आप सभी को पता है जब भी बैक क्रॉस की बात करते हैं और डबल रिसेसिव प्लांट होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर कितना रेशियो आता है 1:1:1, आपका आंसर होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड आर कंबाइंड इन हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर इस द स्टेटमेंट एक्सप्लेन विच वन आर फॉलोइंग लॉ प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स। अब देखिए यहाँ पर ये साफ साफ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्मेंट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आपका दो पेयर हैं आपके ट्रेड के, जो कि डाईहाइब्रिड सेग्रीगेशन का एक पेयर जो होगा आपका इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट ही लगता है, जिसे आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट कह सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा राइट। जिसमें एक पेयर दूसरे पेयर से आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट है तो उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ही लगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से आप इसे दर्शा सकते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को, तो यहाँ पर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस ही तो करवाते हैं, हमेशा से पढ़ते हुए डाईहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के थ्रू आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर होगा आपका ए डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 47, मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट इन द ईयर, कौन से ईयर में रीडिस्कवर्ड किया गया था मेंडल्स का वर्क किसी 3 साइंटिस्ट के थ्रू, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1900, ठीक है, आंसर आपका 1900 होगा। तो ये 3 साइंटिस्ट ने वर्क करके इसको क्या किया था कि आपके मेंडल्स वर्क को दोबारा से यहाँ पर रीडिस्कवर्ड किया था, उनको फिर से चेकआउट किया था, ठीक है, आंसर आप ये याद रखेंगे 1900। क्वेश्चन नंबर 48, विच 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। अब वे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, जो 3 साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं, कब डिस्कवर्ड किया था, एक तो 1900 में, उसके बाद कौन कौन से साइंटिस्ट थे 3 वे जो यहाँ पर डिस्कवर्ड कर रहे थे आपके मेंडल्स वर्क को, तो ये आपके साइंटिस्ट के नेम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाई, किसके थ्रू दी गई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पर सटन एंड वॉरी के थ्रू यहाँ पर इसको दिया गया था, ठीक है, तो अभी नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सपेरिमेंटल
वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाई, किसके थ्रू हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर मॉर्गन एट एल के थ्रू हुआ था, ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद ये साइंटिस्ट के नेम है, देखिए फ्रेंड्स इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये आपको याद खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये आपको याद ही करना है ये सारे नेम, कब डिस्कवर्ड हुआ, कौन से तीन साइंटिस्ट के नेम थे, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी। उसके बाद यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर ये इक्विपमेंट वेरिफिकेशन आपका किसके थ्रू हुआ था, जो कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जिसने दी थी, तो ये मॉर्गन एट ऑल ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाई, किसके थ्रू? मॉर्गन एट ऑल के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, क्वेश्चन नंबर 51, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से कॉलम, तो आपको यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, मल्टीपल एलिलिज्म आप कब लेते हैं? जब आप यहाँ पर ह्यूमन ब्लड का चेकअप करते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। बैक क्रॉस कब कराते हैं? आप यहाँ पर इस तरीके से बैक क्रॉस करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, मैच ऑफ द फॉलोइंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉलम के अकॉर्डिंग आपको मैच कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म की बात करें तो मल्टीपल एलिलिज्म आप कर सकते हैं यहाँ पर जब आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप को चेकआउट करते हैं। उसके बाद बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड का सेकंड ही रहेगा। उसके बाद टेस्ट क्रॉस आप करेंगे फर्स्ट से, क्रॉसिंग ओवर आप करेंगे यहाँ पर डी के बाद, यहाँ पर आपका रहेगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से आप कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपका ई आप नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, तो ये आपका कॉम्बिनेशन होगा, तो ये आपका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ में। अभी थोड़ा इतना ही, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।